नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द 5 AM क्लब बुक समरी, जो रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अक्सर हम सबको अपना टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। पूरा दिन काम करने के बाद भी लगता है जैसे कोई काम नहीं किया, या थकान बहुत महसूस होती है। आज हम एक सक्सेसफुल बिजनेस का डे टू डे शेड्यूल जानेंगे, जिससे वो एक बिलियनियर बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब बुक समरी। द प्रिपरेशन, 5 ग्राउंड रूल्स। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो यह 5 चीजें याद रखें। फर्स्ट, अगर आप दिन भर डिस्ट्रैक्शन या लोगों से घिरे रहते हैं तो कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। इसके बदले आप सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा अकेले रहें, अपने साथ रहें। इससे आपके मन में बहुत से क्रिएटिव विचार आएंगे, जिससे आप आगे चलकर बहुत सफल हो सकते हैं। सेकंड, कुछ लोग जिंदगी में बहाने ही बनाते रहते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। लेकिन जीनियस लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं, वे कभी भी बहाने नहीं बनाते। सुबह जल्दी न उठने का आपका बहाना क्या है, इस पर गौर करें और खुद को बदलें। थर्ड, शुरू में हर नया काम मुश्किल ही लगता है। सुबह जल्दी उठना भी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 महीने तक लगातार ऐसा करते रहने से आपको उसकी आदत पड़ जाती है और वह काम आपको बहुत आसान लगने लगता है। फोर्थ, अगर आपको 5% सफल लोगों में शामिल होना है तो बाकी के 95% निकम्मे लोगों की तरह टाइम बर्बाद करना बंद कर दें। अगर बाकी देर से उठ रहे हैं तो आप जल्दी उठिए। अगर बाकी लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ें, दूसरों से कुछ अलग करें। फिफ्थ, जब आपको लगे कि कोई काम बहुत मुश्किल हो गया है या आप उसे छोड़कर भाग जाना चाहते हो, तो भी मन पक्का करके लगे रहें। बहुत से लोग इस समय भाग लेते हैं और लाइफ में असफल रहते हैं। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, मुश्किल समय में बने रहना। धीरे चले लेकिन चले। द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन, IQ। कुछ लोग सोचते हैं कि सफल या जीनियस लोगों को गॉड गिफ्ट मिला है, उनका IQ ज़्यादा होता है। कुछ हद तक यह ठीक है, लेकिन जिस तरह आप पैसा जोड़ सकते हैं उसी तरह आप IQ भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है लेकिन वह 2 साल का कोर्स कर लेता है तो उसे आवश्यक ज्ञान मिल सकता है। इसी तरह आप कुछ साल लगातार अभ्यास करने से किसी भी फील्ड में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। सेकेंड, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। सफल लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। वे फालतू लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। जैसे लेखक केवल अकेले में ही अपना नॉवल या कहानी लिखते हैं, या एथलीट्स अकेले ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। सुबह का समय ही डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, उस समय का सदुपयोग जरूर करें, फिर सारा दिन तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो ही जाती है। थर्ड, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। चाहे आप कितनी भी उम्र के हों, कभी भी नया सीखना न छोड़ें। आप किसी न किसी काम में मास्टरी जरूर हासिल करेंगे। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट का कार्य चुनें, फिर उस पर लगातार सालों साल काम करें। कभी निराश होकर रुके नहीं, एक दिन आप उस काम के मास्टर बन जाएंगे और लोग खुद आपके पास आएंगे। फोर्थ, डे स्टैकिंग। जिंदगी दिनों से बनी है, इसलिए हर दिन जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो जीना शुरू करेंगे, तब तक वे परेशान होकर जीते हैं, या कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। आज के दिन को ही जिंदगी समझें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करें, उसे पूरी तरह से हंसी खुशी से जिए। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को लंबा भी कर सकते हैं और बहुत से काम निपटा सकते हैं। द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। अगर आपको जीनियस बनना है तो अपने अंदर के 4 साम्राज्यों पर काम करना होगा, उन्हें बेहतर बनाना होगा। सुबह जल्दी उठकर आप इन पर सोच विचार कर सकते हो और इन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। अपनी इस आदत को बदलें। सेकंड, हार्ट सेट। अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें। दुख में ज्यादा दुखी न हो, डिप्रेशन में न चले जाए और खुशी मिलने पर आसमान में न उड़ने लगे। ऐसे ही गुस्से, भय, लालच आदि के इमोशंस को काबू में रखें। थर्ड, हेल्थ सेट। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं और रोज एक्सरसाइज करें। फोर्थ, सोल सेट।
अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी काम करें। सुप्रीम पावर पर विश्वास करें, कोई पावर है जो यूनिवर्स को चला रही है और आपकी हमेशा रक्षा करती है। जो अमीर लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, देर सवेर वे पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। द फाइव साइंटिफिक ट्रुथ्स बिहाइंड एक्सीलेंट हैबिट्स। किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने के बारे में ये 5 फैक्ट्स याद रखें। फर्स्ट, मजबूत विल पावर से आप कोई भी आदत डाल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए एक प्रतिज्ञा लें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और फिर उसे कर दिखाएं। सेकंड, कोई भी आदत एक मसल की तरह होती है। आप उस पर जितना काम करते हो वह उतना ही मजबूत होती जाती है, इसलिए आपको हर दिन जल्दी उठना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन तो उठ गए और फिर 2-3 महीने तक कुंभकर्ण बन गए। थर्ड, जब आप थके होते हैं उस समय विल पावर भी कमजोर होती है, इसलिए कभी भी खुद को थकने न दें, हमेशा समय पर सो जाएं। इससे आपकी एनर्जी रीस्टोर होगी और विल पावर भी मजबूत होगी, इससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। फोर्थ, सुबह उठने की आदत को ऑटोमेटिक बना लें। इसे किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दे, यह सोचे कि जल्दी उठकर मैं एक्सरसाइज करूंगा जिससे फिर और सुंदर हो जाऊंगा। इससे आपको जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। फिफ्थ, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं। एक एरिया में जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो दूसरे सभी एरियाज में भी आने लगता है। अगर सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली तो आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप हर कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस समरी में हमने सिर्फ एक जिस्ट दिया है। आप डिटेल में जानने के लिए इस बुक को जरूर पढ़ें। ये बुक आपकी शेल्फ की शोभा बढ़ाएगी और रोज पढ़ने से आपको नया सीखने को मिलेगा। ये बुक बिलियनेयर्स द्वारा सजेस्ट की गई है। इसमें लिखे हुए रूल्स मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स यूज करते हैं। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 वैल्यूज ऑफ हीरोइक हैबिट मेकर्स। अच्छी आदत से जुड़े। फर्स्ट, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप उसे रोज करते हो और लंबे समय तक उसमें लगे रहते हो। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, वे असफलता मिलने पर भी रुकते नहीं बल्कि लगातार लगे रहते हैं। सेकंड, जो काम शुरू किया है उसे खत्म करने की आदत डालनी चाहिए। इससे आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है और आप दुगने जोश से बाकी कामों को करते रहते हो। थर्ड, आपकी पब्लिक में परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने वह काम अकेले में कितनी मेहनत से किया है, इसलिए हर काम को लगन से करें, इससे आप में परफेक्शन आएगी। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनाने में 66 दिन लगते हैं। इन्हें हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रैक्शन। इस स्टेज में हम पुरानी आदत को खत्म करते हैं और नई आदत डालने की कोशिश करते हैं। इसमें 21 दिन लगते हैं। सेकंड, इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन में हम नई आदत को इंस्टॉल करते हैं। इसमें तरह तरह की बाधाओं से निपटने की कोशिश करते हैं। थर्ड, इंटीग्रेशन। इसके बाद की स्टेज में नई आदत आपके ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती है और अपने आप होने लगती है। जैसे बॉडी बिल्डिंग की आदत पड़ जाने के बाद अपने आप ही एक्सरसाइज करते रहते हैं या यूट्यूबर हर दिन वीडियोस बनाने लगते हैं। इसलिए आप भी अगर कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 66 दिन तक उसे लगातार करें। द 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या करेंगे? उठकर आप अपना समय वेस्ट न करें बल्कि ऑथर ने एक फॉर्मूला बताया है जिसमें आप 5 बजे उठकर अपने टाइम को 20 मिनट्स के 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, मूवमेंट। 5 AM से 5:20 AM के बीच आप एक्सरसाइज, वॉक या योगा करें। आपका दिमाग गहरी नींद से उठा होता है, इस सबसे वह पूरी तरह जागृत हो जाता है। उसमें डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आप में एनर्जी भर जाएगी और आप दिन को अच्छे से बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेकंड, रिफ्लेक्शन। 5:20 AM से 5:40 AM तक आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। ऐसा आप मेडिटेशन या लिखकर कर सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, जैसे मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ आदि। थर्ड, ग्रोथ। 5:40 AM से 6 AM तक आप अपने दिन, हफ्ते और इस साल के गोल्स बनाएं।
उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटेजी के बारे में सोचें। द प्री स्लीप रिचुअल। आप सुबह जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप रात को जल्दी सोते हैं। सोने से पहले यह नियम अपनाएं। फर्स्ट, कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। सेकंड, फोन और दूसरी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। थर्ड, थोड़ी देर मेडिटेट करें, खुद को और सबको माफ कर दें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज इतना अच्छा दिन दिया। फोर्थ, इसके बाद लेट जाएं और पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मुझे गहरी नींद आ रही है। इस तरह से आप गहरी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। फर्स्ट, हमेशा अपने काम पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान न भटकाएं। इससे आपके काम करने के तरीके में भी बहुत एफिशिएंसी आ जाएगी। सेकंड, हर दिन आप अपने काम में ऐसी चीज ढूंढें जिसे करने से आपका काम दूसरों की अपेक्षा में स्टैंड आउट करेगा। इससे आप अपने काम में जीनियस बन जाएंगे। थर्ड, कोई भी काम करने के लिए 60-10 मेथड अपनाएं। इसका मतलब है कि एक घंटा काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। लगातार काम करने से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। फोर्थ, हर दिन पेपर पर कम से कम 5 गोल्स जरूर लिखें और उन्हें पूरा करें। फिफ्थ, दिन में एक बार जरूर हल्का वर्कआउट करें। इससे आपकी बॉडी वेसल्स में चर्बी नहीं जमेगी और दिल की कोई भी बीमारी नहीं होगी। बाकी ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सिक्स्थ, हफ्ते में 2 बॉडी मसाज जरूर लें। इससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं। सेवन्थ, अगर आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल करते हो तो उस दौरान किताब पढ़ें या क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचें। एट्थ, हमेशा किसी भरोसेमंद व्यक्ति की हेल्प लें। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना लें जो खुद भी ऐसा करता हो। इससे आपका काम जल्दी और आसान हो जाएगा। नाइन्थ, रविवार के दिन आप पूरे वीकेंड की प्लानिंग कर लें। इससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रहेगी और आप कोई भी काम करने से नहीं भूलेंगे। टेंथ, सारी जिंदगी स्टूडेंट बने रहें। हर दिन कम से कम 60 मिनट जरूर पढ़ें। इससे आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरों से आगे रहेंगे। तो दोस्तों, आप भी इन रूल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के गोल्स अचीव कर सकते हैं। अपनी कुछ आदतों को गोल्स अचीव करने की हैबिट्स बनाएं। एक डे टू डे शेड्यूल जरूर बनाएं, इससे आपका टाइम मैनेज रहेगा। आपने इस बुक समरी से क्या सीखा ये कमेंट में जरूर बताएं और अगली कौन सी बुक समरी चाहिए ये भी सजेस्ट करें। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को अपने चहेते के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।